सिंगरौली में शीर्ष कांत देव सिंह का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर रैली निकालकर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंगरौली में भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुके शीर्ष कांत देव सिंह को भाजपा कार्यकारिणी ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसको लेकर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर उनका स्वागत किया। रैली में सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। रैली रीवा सीधी होकर जैसे ही सिंगरौली सीमा में पहुंची, लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट नजर आई। इसमें भाजपा के सिंगरौली जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विधायक सुभाष वर्मा, विधायक अमर सिंह, विधानसभा के पूर्व विधायक राजेंद्र मेश्राम, बद्री वैश्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व टिकट न मिलने की वजह से कांति देव सिंह ने पार्टी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राजा साहब को उनके विरोधी राजनीति से खत्म मान चुके थे। लेकिन एक बार फिर वे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद चर्चाओं में आ गए हैं। सबसे पहले मैं आप सबों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतना बड़ा अवसर देकर मुझे अभिभूत किया है। जहाँ तक सीधी और सिंगरौली जिले की बात है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमेशा से मजबूत रही है। हम लोगों का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।